बच्चों आज का हिंदी पाठ है संधि। ये तो क्या है संधि। ये संधि के बारे में पहले ये कक्षाओं में हम जान चुके हैं। ये दीर्घ संधि के बारे में जान चुके हैं, गुण संधि के बारे में जान चुके हैं, वृद्ध संधि के बारे में जान चुके हैं, एन संधि के बारे में जान चुके हैं और एक है अब आयादि संधि। आयादि संधि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। माने क्या है, उसको कैसे हम पहचानते हैं। आयादि संधि देखो, आयादि संधि माने क्या है, यहाँ पर स्वरों पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखो ए आई ओ औ, ये सब क्या है स्वर है। ए आई ओ औ ये सब स्वर के सामने भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, यहाँ पर संधि कर्म में कुछ परिवर्तन होता है। देखो ए आई के सामने भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, यहाँ पर आई होता है। यहाँ पर वो औ के सामने भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, औ होता है। देखो यहाँ पर आई, यहाँ पर आप, आप के रूप में क्या होता है परिवर्तन होता है। ए आई ओ औ इन स्वरों पर ध्यान देना है। इन स्वरों के सामने भिन्न स्वर आए तो क्या होता है, ए के सामने भिन्न स्वर आए तो आई होता है, आई के सामने भिन्न स्वर आए तो आई होता है, ओ के सामने भिन्न स्वर आए तो औ होता है, औ के सामने भिन्न स्वर आए तो औ होता है। ऐसे भिन्न स्वर हाकार के होने वाले परिवर्तन से यहाँ पर संधि बनता है। देखो उदाहरण के लिए देखिए, इसके लिए उदाहरण के लिए नयन, यहाँ पर देखो क्या है नयन पहला उदाहरण है, उसको कैसे भी चेक करते हैं। यहाँ पर देखो नयन ये रूल है ना, ए के सामने आई के सामने भिन्न स्वर आए तो क्या होता है आई और आर, यहाँ पर आई है ना उसको भी चेक करना है। इस तरह ना नहीं ने प्लस अन, ने प्लस अन यहाँ पर यहाँ को भी चेक करना है आर। ए ना में क्या होता है ना को ना प्लस आ क्या होता है ना होता है, ठीक है ना। ए ना को हम यहाँ पर अलग करना है, ए ना को अलग करने से क्या होता है आ आता है, आ प्लस ए ना को अलग करने से क्या होता है यहाँ पर ना बनता है ना, ना के सामने क्या है आए है, है। ना में ए ना में स्वर को अलग करने से क्या होता है आई होता है ना, ना को ऐसे अलग करना है ना, ना बनता है अलवा। ये तो व्यंजन है, ये तो स्वर है, ये यहाँ पर ना से ये स्वर को अलग करने से क्या होता है हाई बनता है, ठीक है ना। हाई बनने से क्या होता है ये होता है, किसके आंसर आयादि संधि के आंसर, हाई बने क्या है ये होता है नयन। उसी तरह और एक उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर भवन दूसरा उदाहरण है, भवन यहाँ पर वा है ना, यहाँ पर बा को भी अलग करना है, बा प्लस आ क्या होता है बा होता है, यहाँ पर हा आ के सामने क्या आ गया है यहाँ पर औ, यहाँ पर क्या आया है यहाँ पर औ होता है ना, औ कब आता है यहाँ पर ए, इसको विच्छेद करने से देखो कैसे विच्छेद करता है। यहाँ पर ओ वो प्लस अन, वो प्लस अन क्या होता है भवन, वो कर या औ कर या ए का या आई का, आई से शब्द में क्या है ए रूल्स को ए नियमों को अब याद रखना है, याद रखने से ये आसानी होता है आयादि संधि को समझना। अच्छा देखो यहाँ पर विच्छेद करना, ए व्यंजन को ठीक तरह से जानना है, वो स्वर को भी ठीक तरह से जानना है, ये तो स्वर संधि है ना, यहाँ पर स्वर को महत्व यहाँ पर मिलता है। हाई से विच्छेद करते करते अब
ఉంటుంది, ట్రాప్ అవుతుంది. అచ్చా కొంచెం జై శ్రీ గురు.